हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, 225 पोस्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जो कि और डिटेल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कौन सा पोस्ट निकला हुआ है और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों, फर्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 3, नंबर ऑफ वैकेंसी है इसका 170, अनरिजर्व के लिए 56, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 64 और ओबीसी के लिए 24। इसके बाद क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आपको ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम ITI और NEI इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। तो सेकेंड पोस्ट जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 कंप्यूटर के, नंबर ऑफ वैकेंसी है 7, अनरिजर्व के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए इसके, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। थर्ड पोस्ट जो है यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पे 24, अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 10, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 8 एंड ओबीसी के लिए 4। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे आपको, वर्किंग नॉलेज ऑफ यूनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडोज एनटी विथ फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, एट लीस्ट 2 सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट, और सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ PGDCA फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ ओ लेवल कोर्स फ्रॉम DOE। नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग प्रेफरेंस विल बी गिवेन टू दोज कैंडिडेट हु हैव पास टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड। डिजायरेबल जो है यहाँ पे आपको, वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफिस एप्लीकेशन सूट। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो, मिनिमम जो है 21 ईयर्स से आप अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ पोजिशन पोस्ट जो है यहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोग्रामर, वैकेंसी इसका 3, अनरिजर्व लोगों के लिए 1, एनएसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए कोई भी यहाँ पे वो वैकेंसी नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे आपको MCA, MSc और BE, BTEC डिग्री आपको कंप्यूटर साइंस में आपको जो कि क्वालिफिकेशन चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ए लेवल कोर्स फ्रॉम DOE और PGDCA आपको चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट, और मिनिमम एज लिमिट जो है यहाँ पे 21 और मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर में जो पोस्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वैकेंसी है यहाँ पे 2, अनरिजर्व के लिए 1 एंड एसटी के लिए 1। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए यहाँ पे BE, BTEC डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड, और सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ बी लेवल कोर्स फ्रॉम DOE with 3 years experience in programming software development field, or MCA, MSc degree in computer science or related subject recognized university. Working knowledge of Unix, open source software, Windows NT, Oracle and other RDMS package, system analyze and programming development in sorry friends उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं, हमारे 21 से और 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं हार्डवेयर। और इसके बाद जो पोस्ट है हार्डवेयर इंजीनियर, वैकेंसी है 2, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको BE, BTEC डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, और वर्किंग नॉलेज चाहिए यहाँ पे यूनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडोज NT, एक्सपीरियंस जो चाहिए 3 ईयर्स एक्सपीरियंस हार्डवेयर एंड लाइन मेंटेनेंस। एज लिमिट की बात करते हैं, मिनिमम 21 ईयर्स से 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सेवन नंबर जो पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्टर, वैकेंसी है 1, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपको ME, MTEC डिग्री इन कंप्यूटर साइंस,
C-level course, DOE, minimum 5 years experience, BE, BTEC degree, computer science, related subject recognized university, 5 years experience. Age limit इसका भी same है, 21 years से 30 years. इसके बाद जो post है यहाँ पे computer programmer, vacancy है 2, education qualification चाहे BE, BTEC degree in computer science. इसके साथ साथ second class bachelor degree from recognized university, BE, B-level course from DOE with 5 years experience. तो दोस्तों इसका भी एज लिमिट सेम ही रहेगा. उसके बाद जो पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, वैकेंसी है 5 और इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री. एज लिमिट आपको सेम रहेगा 21 से 30 इयर्स तक. उसके बाद जो पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट, वैकेंसी यहाँ पे नहीं दिया गया है. उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस. एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 21 से 30 इयर्स तक अप्लाई कर सकते. इसके बाद जो पोस्ट है लास्ट पोस्ट ट्रांसलेटर, वैकेंसी है 8 और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हिंदी प्रोफेंसी एंड इंग्लिश लैंग्वेज और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी प्रोफेंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर विद गेट विद गिविन अ लॉ ग्रेजुएट. एज लिमिट की बात करें यहाँ पर सेम ही रहेगा 21 ईयर्स 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं. और जो लोग 40 ईयर्स है फ्रॉम चंडीगढ़ वो लोग अप्लाई सॉरी छत्तीसगढ़ वो अप्लाई कर सकते हैं. 5 इयर्स एक्सटेंड हो जाएगा एज लिमिट जो कि एस सी एस टी वालों के लिए, ओ बी सी वालों के लिए. यहाँ पे एस सी एस टी एंड ओ बी सी वालों के लिए कैंडिडेट जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे सिलेक्शन कैंडिडेट थ्रू रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू. आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा. एग्जाम डेट, टाइम एंड वेन्यू, एग्जाम इंटरव्यू इंटीमेट जो जो सब कुछ आपको मिल जाएगा आपका जो हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल पेज है highcourt.cg.gov.in आपको यहाँ पे मिल जाएगा. आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको जो कि अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. 13 नवंबर से शुरू होगा इसका जो ऑफिशियल ऑनलाइन के एप्लीकेशन एंड लास्ट डेट इसका रहेगा 2 दिसंबर 2018 में. तो दोस्तों इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा आपके, आप लोग वहाँ से जाके इसको अप्लाई कर सकते. इसके साथ साथ इसका जो ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है या डिटेल्स है इस जॉब नोटिफिकेशन के उसका भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते. तो दोस्तों आज की वीडियो जो अगर आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. इसके साथ साथ कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग मेरे को कॉमेंट करके पूछ सकते, मैं उसका जवाब दे दूँगा. थैंक यू फ्रेंड्स.